गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तथा इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज के इस वीडियो में हम 28 नवंबर के करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था किस देश ने चांग E5 चंद्रमा मिशन का सफल परीक्षण किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चीन। चीन देश ने चांग E5 चंद्रमा मिशन का सफल परीक्षण किया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जेक सुलिवान। अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान बने हैं। अमेरिका के बारे में जानकारी, अमेरिका उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी वॉशिंगटन DC, करेंसी अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभियान ऐप को लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभियान ऐप को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, अभियान ऐप कैब और ऑटो में सफर करने वाली महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है और यात्रा के दौरान ट्रेकिंग के लिए इस ऐप में खास उपकरणों की व्यवस्था की गई है। आंध्र प्रदेश के बारे में जानकारी, आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री YS जगमोहन रेड्डी, गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्र, मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार महेश्वरी, लोकसभा की सीट 25, विधानसभा की सीट 175, राज्यसभा की सीट 11, पड़ोसी राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा विदेशी धरती पर संस्कृत में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के पहले सांसद बन गए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश के सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा विदेशी धरती पर संस्कृत में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के पहले सांसद बन गए हैं। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी डॉक्टर गौरव शर्मा को न्यूजीलैंड में हुए चुनाव में लेबर पार्टी से सांसद चुना गया है। न्यूजीलैंड के बारे में जानकारी, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर, प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न। पगार बुक ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अक्षय कुमार। पगार बुक ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने हैं। अक्षय कुमार भारतीय अभिनेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु के द बोरिंग ऑफ लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी। बेंगलुरु के द बोरिंग ऑफ लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट, कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में बोरिंग ऑफ लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज परिसर में बने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर कर दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कम लागत वाली बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए IPPB बैंक। IPPB बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कम लागत वाली बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट,
इस योजना के तहत गरीब परिवार को सुरक्षा प्रदान करना है और दूर दराज के क्षेत्रों में परिवार के सदस्यों के नुकसान और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए बीमा प्रदान करना है। आईपीपीबी बैंक का फुल फॉर्म इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। एमडी एंड सीईओ जे वेंकटरमू है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में जॉन केरी को क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका देश में जॉन केरी को क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका के पूर्व विदेशी मंत्री जॉन केरी को क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सादिक अल मेहदी का निधन हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूडान। सूडान देश के पूर्व प्रधानमंत्री सादिक अल मेहदी का निधन हो गया है। सूडान देश के बारे में जानकारी, सूडान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी मुद्रा सूडानी पाउंड, राजधानी खरतूम, राष्ट्रपति अहमद अबद इमन ऑफ और प्रधानमंत्री अब्दुल्ला होमडोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने कोरोना मरीजों की पहचान के लिए हिम सुरक्षा अभियान को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने कोरोना मरीजों की पहचान के लिए हिम सुरक्षा अभियान को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोविड-19 के बढ़ते प्रभावों को देखते हुए सरकार ने यह विशेष कदम उठाया है। इस महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हिम सुरक्षा अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत घर घर में हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण, लोकसभा की सीट 4, विधानसभा की सीट 68 और राज्यसभा की सीट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर। 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, संविधान दिवस जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नवंबर महीने में कुछ इंपोर्टेंस डे हैं जिनको आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ, देख लीजिए उनको। 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर को ही कर्नाटक दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर को केरल दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर को पंजाब दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, इसको इंग्लिश में इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे बोलते हैं। 7 नवंबर को शिशु सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को महान अक्टूबर क्रांति दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को विश्व उर्दू दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को परिवहन दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को मलाला दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, ये सलीम अली के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व दूरदर्शन दिवस मनाया जाता है। 21 नवंबर को यूनेस्को में दर्शन शास्त्र दिवस मनाया जाता है।
23 नवंबर को सत्य साई बाबा जयंती मनाई जाती है, 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर की शहीदी दिवस मनाया जाता है, 24 नवंबर को राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस मनाया जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल कैडेट कोर डे, इसको शॉर्ट फॉर्म है एनसीसी, 25 नवंबर को विश्व मांसाहार रहित दिवस मनाया, 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है, 28 नवंबर को एनसीसी स्थापना दिवस मनाया जाता है। आपके लिए प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट करना है, बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर कमेंट में लिखें तथा आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आप अधिक छात्रों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को स्टूडेंट को शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।